Now, next lecture is regarding the color in coordination complexes. जो हमने इससे पहले पढ़ा दैट इज द क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, उसमें हमने क्या देखा कि जो ऑक्टाहेड्रल होता है उसमें मेटल का जो डी ऑर्बिटल होता है, मेटल का डी ऑर्बिटल जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है. जब लीगेंड इसको अप्रोच करता है तो वो स्प्लिट हो जाता है. उस डी पहले तो ग्राउंड स्टेट में होता है जब अभी लीगेंड नहीं आता, लेकिन जब लीगेंड इसके नजदीक आने की कोशिश करता है तो ये एक्साइट हो जाता है. उसके बाद ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है. इसके दो सेट्स बनते हैं, एक को कहते हैं डी टू जी और ई जी. इनके बीच में एनर्जी गैप जो आप दिखाते हो डेल्टा ओ, दिस इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी, जो हमने पीछे पढ़ा है सारा. तो ये स्प्लिट हो गए, एक सेट बन गया टी टू जी और एबो जो लोअर एनर्जी का है दैट इज टी टू जी, जो हायर एनर्जी का है दैट इज ई जी. तो इन दोनों की जो बीच की गैप है दैट इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. ये गैप कितनी होगी ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ये गैप जो होगी ये डिपेंड करेगा आप बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगा, लेकिन लीगेंड कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा. लीगेंड की स्ट्रेंथ दैट मीन लीगेंड वीक फील्ड है कि स्ट्रांग फील्ड. अगर स्ट्रांग फील्ड होता है तो हमने देखा कि स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, और अगर वीक फील्ड होता है तो स्प्लिटिंग कम होती है. दैट मीन्स ये जो डेल्टा ओ है क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, और जो आपको ज्यादा कंसर्न रखना है दैट इज द लीगेंड. लीगेंड अगर स्ट्रांग फील्ड होता है तो ये ज्यादा होता है ये गैप. अगर ये गैप इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, अगर वीक फील्ड लीगेंड होगा तो कम होती है गैप. ऐसे ही फिर हमने टेट्राहेड्रल में भी डिस्कस किया था. टेट्राहेड्रल में डी ऑर्बिटल ऐसे है ग्राउंड स्टेट में, लेकिन जब लीगेंड इसको अप्रोच करता है तो ये एक्साइट हो जाता है. जब एक्साइट होके फिर इसका क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है. लेकिन इसका उल्टा, इसमें दो नीचे आ जाते हैं जिसको आप कहते हो ई सेट. यहां पर हम ई जी नहीं कहते, यहां पर जी कहते हैं, वो जिराड की वजह से जो हमने लास्ट में कहा था. तो इसको आप याद रखिएगा, दिस इज ई, ये दो जो है ई सेट, और जो ये ऊपर गया इसको टी टू, ठीक है. तो ये टेट्राहेड्रल, इसमें जो एनर्जी गैप है दैट इज नोन एज डेल्टा टी, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, ठीक है. तो ये भी डिपेंड करेगा कि वीक फील्ड है कि स्ट्रांग फील्ड है. तो ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की सेपरेटिंग कैसे होती है. देखिए इसी बेसिस पे हम अब कलर को देखना चाहते हैं, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है इसकी जो मेन अचीवमेंट है वो कलर माना जाता है, कि ये कलर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है. तो चलिए हम कलर को देखेंगे, कलर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. मैं यहां पर एक कॉम्प्लेक्स लेता हूं, कॉम्प्लेक्स मैंने ले लिया, मेरे पास कॉम्प्लेक्स है बेटा टी आई टाइटेनियम, लीगेंड है वाटर 6 3+. ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो मेटल है दैट इज टाइटेनियम और जो लीगेंड्स है दैट इज वाटर. इस टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको कोई बोले टाइटेनियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, इट इज, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D, मैं सारी कॉन्फ़िगरेशन इसको पहले लिखता हूं शॉर्ट फॉर्म में. इसकी कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन दैट मीन 18 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 3D2 4s2. तो वैलेंसी ये है इसकी 3D2 4s2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, डी में 2 एफ में 2. Now, अगर इसमें देखे इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है. यहां पर जब हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे दैट इज +3, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यही है. +3 का मतलब कि आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं इसके, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे नजर रखेंगे, इसके साथ हमें कुछ नहीं करना है. तो टाइटेनियम जब आप 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे 3+, तो ये बचा 3D1, आपने एस से 2 निकाले और डी से 1 निकाला, तो खाली आपके पास बचा 3D1. तो आपके पास टाइटेनियम में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, खाली 1. तो जब आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लीगेंड आ गया, लीगेंड की वजह से लीगेंड कौन है वाटर, जब ये आया तो इसने इसको एक्साइट किया, जब एक्साइट किया तो ये यहां से यहां पहुंच गया, एक्साइट मतलब एनर्जी बढ़ गई. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसकी स्प्लिटिंग हो गई. जब आप इसकी स्प्लिटिंग हो गई नीचे बना, क्योंकि ये 6 है, 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल, नीचे बना टी टू जी और ऊपर बना ई जी,
अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये नीचे वाले में जाएगा, लोअर एनर्जी में जाता है पहले, तो ये बनी इसकी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये हमने टाइटेनियम का देखा। देखिए इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं रन कर रहा हूं, अब हमें पता है कि ये कैसे बना, ये वन इलेक्ट्रॉन कैसे आया। इसको मैं पिक्चराइज यहां पर कर रहा हूं, ये जो आपका टी टू जी है ये मैं यहां पर पिक्चराइज कर रहा हूं। ठीक, तो इस वक्त इसकी कॉन्फ़िगरेशन है टी टू जी वन, ईजी में कुछ नहीं, ईजी जीरो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, नाउ देखिए अगर हम इस कॉम्प्लेक्स पे लाइट डालते हैं, हम इसमें लाइट डालते हैं, फोटॉन डालते हैं, फोटॉन क्या करेगा, वो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, जब आप लाइट डालोगे इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, एक्साइट लेकिन कहां पर, ये इसको कहां ले जाएगा एक्साइट करके। जब आप इसको एक्साइट करोगे, आपने फोटॉन डाला, ये आपके पास फोटॉन आपने लिया, लाइट ले ली, आपने फोटॉन डाला जिसको हम एच न्यू से भी दिखाते हैं, तो इसने इसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हो गई। जनरली एक्साइटेशन, ये जो फोटॉन एक्साइटेशन है ये कहां पर देखा जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है ना, पेयर्ड में आप नहीं कर सकते ऐसे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास है तो आपने इसको एक्साइट कर दिया। जब आपने इसको एक्साइट कर दिया तो आपके पास सिचुएशन बनी अब ऐसे, फोटॉन डाल के जब आपने इसमें लाइट डाली, पहले आपके पास ऐसे था, ये नीचे इलेक्ट्रॉन था, अब ये ऊपर चला गया। ठीक है बेटा, तो पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, जब आपने फोटॉन डालने से पहले टी टू जी वन ई जी जीरो, अब क्या बन गया, टी टू जी जीरो ई जी वन, एक्साइटेशन, आपने एक्साइट किया इसको। ठीक है, तो एक्साइटेशन हो गया, जब एक्साइटेशन हो गया अब ये वापस आएगा, जब ये वापस आएगा ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा, इट विल इमिट रेडिएशन एंड दैट लीड्स टू द, उसी की वजह से कलर होता है, दैट मीन आपको दिखता है इन द फॉर्म ऑफ कलर, दैट लीड्स टू द कलर इन कॉम्प्लेक्सेस। कलर मतलब कि ये जो रेडिएशन निकलेगी ये जनरली होती है किसमें, यू विजिबल रीजन में, ये जनरली होती है विजिबल रीजन में। तो देखिए कलर के पीछे क्या मैकेनिज्म है, जो आपका डी ऑर्बिटल है वो सेपरेटेड है, तो आपने लाइट डाली, लाइट से क्या हो गया, जो आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइट हो गया, उसने एनर्जी ले ली, वो एक्साइट हो गया, जब एक्साइट हो गया, एक्साइट होने के बाद डीएक्साइट भी हो जाएगा, वापस इसको आना है, जब ये वापस आ जाएगा इट विल इमिट रेडिएशन, जब वो रेडिएशन जो होती है वो विजिबल रीजन में जनरली देखा गया है कहां पर, विजिबल रीजन में होता है। जब विजिबल रीजन में लाइट निकलेगी वापस तो ऑब्वियसली उसका तो कलर होगा, ड्यू टू विच हम बोलते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जनरल में, मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कलर्ड होते हैं, दैट इज अ कलर इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में एक वर्ड में बताऊं कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाई देयर इज कलर इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ड्यू टू द, इसको हम कहते हैं ड्यू टू द डीजी ट्रांजिशन, हो गया ना, डीजी ट्रांजिशन हो गया, दिस थिंग इज नोन एज डीजी ट्रांजिशन। ठीक, तो डीडी ट्रांजिशन हो गया, आपके टी टू जी से इलेक्ट्रॉन चला गया ईजी में, फिर वापस आ गया तो कलर दे दिया। हाँ, अगर एक टेट्राहेड्रल होता तो उल्टा होता, तो ई से जाता टी टू में, जैसे हमने पीछे देखा कि उसकी लेवल्स कैसे होती है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड व्हाई द कोऑर्डिनेशन कलर्स इन व्हाई द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड। नाउ दूसरी बात, ये तो हमें समझ आ गया, इस चीज को हम कहते हैं डीडी ट्रांजिशन, इसको समझने की जरूरत है, व्हाट मींस डीडी ट्रांजिशन। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जो ये क्या बोलते हैं इसको, जो ये कलर इमिट करता है, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कलर इमिट करता है वो जनरली होता है कॉम्प्लीमेंट्री टू द फोटॉन इट एब्जॉर्ब्स द रेडिएशन। ये तो ये पार्ट तो हमें समझ आ गया कि डीडी ट्रांजिशन का मतलब क्या है। नाउ कलर, पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज हाउ, कैसे है, डीडी ट्रांजिशन, जो हमने ले लिया डीडी ट्रांजिशन की वजह से है।
चलिए दूसरी बात, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, कॉम्प्लीमेंट्री टू द लाइट एब्जॉर्ब्ड, टू द लाइट एब्जॉर्ब्ड, जो ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखेगा यहां पर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में। दैट मीन अगर इसने फॉर एग्जांपल इसने हमारे पास रेड कलर, रेड कलर लिया, दैट मीन जब ये एक्साइट हो गया तो इसने रेड वाली वेवलेंथ ले ली, जब इसने रेड वाली वेवलेंथ ले ली तो ये वापस कौन सा देगा, अगर इसने एब्जॉर्ब किया रेड तो ये आपको ब्लू देगा वापस। आपकी टेक्स्ट बुक पूरा मेंशन कर रही है किसका किसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, तो आप वहां से भी नोट कर सकते हो कि अगर इसने एक टाइप ऑफ वेवलेंथ दे दी और ये वापस क्या देगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री देगा। ये दूसरा पॉइंट आपको नोट करना है, कलर किस वजह से, डीडी ट्रांजिशन की वजह से। और कलर दैट मीन अगर इसने रेड वाला एब्जॉर्ब किया, रेड वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब की तो ब्लू वाली वापस आ देगा, अगर इसने वायलेट ले लिया, अगर इसने येलो ले लिया तो ये वायलेट वापस देगा। वैसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को देख सकते हो। चलिए अब थोड़ा सा इसको डीपर सेंस में समझने की कोशिश कीजिए और क्या हमें पूछा जा सकता है इसमें कलर के मुतालिक। फॉर एग्जांपल अब अगर मैं आपको ऐसे दे दूं, मैं आपको तीन ये दे दूं, तीन कॉम्प्लेक्सेस दे दूं, मेरे पास तीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, निकल के मैंने ले लिए, ये तीन कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे पास, तीनों कॉम्प्लेक्स, इन तीनों की जब आप ऑक्सीडेशन देखोगे, यहां पर निकल की ऑक्सीडेशन प्लस थ्री है, यहां पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है, यहां पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है, तीनों में मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट सब कुछ बराबर रखा। आपको बताना है कि आपका किसमें ज्यादा वेवलेंथ लगेगा, दैट मींस कलर तो तीनों का है लेकिन किस वाली कंपाउंड में जो कलर इमिट होगा उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, या एब्जॉर्बेंस। आप देखिए एब्जॉर्बेंस, आप देखिए ऑर्डर बनाइए, ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्बेंस ऑफ वेवलेंथ, दैट मीन ये तीनों लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो आप इन तीनों का ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बनाइए, एब्जॉर्बेंस का जो बनेगा, दैट मीन कौन सी लाइट किस वेवलेंथ की लाइट ज्यादा होगी, दैट मीन किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी और कौन वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब करेगा वो कम करेगा, आपको वो बनाना है, ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्बेंस ऑफ वेवलेंथ। ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तीनों कलर कॉम्प्लेक्सेस है, लेकिन अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि किसमें ज्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी, किसमें कम वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी, वैसे ही आपको ऑर्डर बनाना है। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, निकल है, तीनों में मेटल सेम है, जो डिफरेंस अगर देखोगे ना आप वो सिर्फ लीगेंड की है, वाटर, अमोनिया और एनओ टू, और ये जो तीनों लीगेंड्स है, जो एनओ टू है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है और जो वाटर है वो वीक फील्ड है। अगर ऑर्डर देखोगे ना, सबसे स्ट्रॉन्ग जो मैंने आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बना के रखा है, NO2 स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, उसके बाद स्ट्रेंथ होती है अमोनिया की और उसके बाद होती है वाटर की, दैट मीन इन तीनों में वाटर सबसे लीस्ट है और सबसे हाईएस्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन है, NO2। देखिए हमें क्यों देखना पड़ता है कि वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन है, क्योंकि उस पर डिपेंड करेगा, ये जो गैप है ये उस पर डिपेंड करेगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उस पर डिपेंड करेगी,
लीजिए फॉर एग्जांपल हम NO2 की बात करते हैं, NO2 की जब आप बात करोगे NO2 के वक्त आपकी जो स्प्लिटिंग होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है बेटा, NO2 के वक्त आपकी स्प्लिटिंग इसमें ज्यादा होगी। जब स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो इसमें आपको जब इस या कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा उस वक्त, उसको आपको उठाने के लिए, ट्रांजिशन करवाने के लिए, डीडी ट्रांजिशन करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी है ना। जब गैप ज्यादा होगी तो आपको एनर्जी भी ज्यादा देनी है इसको उठाने के लिए, ठीक है बेटा। तो आपको उसको उठाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी, एनर्जी आपको पता ही होगा E इज इक्वल टू फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, एच इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं एच सी बाई लैम्डा, ऐसे भी लिखते हैं, एच इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो शॉर्ट में एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ कह सकता हूं ना मैं, जो फोटोन की एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ में। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि NO2 इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब कि गैप स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा होने का मतलब कि आपको हाई एनर्जी चाहिए इसको उठाने के लिए। हाई एनर्जी का मतलब इसकी वेवलेंथ क्या होगी, फिर कम होगी। जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो NO2 को उठाएगा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो किसको फिर उठाएगा, वाटर को उठाएगा। तो ऑन द सेंस कि आप जो आपके लिगेंड्स हैं उनकी स्ट्रेंथ कैसी है उस पे आप देख सकते हो कि आपकी लाइट की वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए। तो यहां पर अगर मैं ऐसे लिखूं, हम इसको कर सकते हैं फिर ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, ये नहीं पूछ रहा था लेकिन ये मुझे पता है, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स किसकी ज्यादा, NO2 की, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद वाटर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें लगेगी, NO2 में, और सबसे कम एनर्जी वाटर में, लेकिन एनर्जी इनवर्स होता है वेवलेंथ, तो सबसे कम वेवलेंथ किसमें लगेगी, वेवलेंथ लगेगी कम और इसमें लगेगी सबसे ज्यादा। सो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब्ड बाय कॉम्प्लेक्सेस ये ऑर्डर बन रहा है, निकल वाटर 6-3 पॉजिटिव, ये इसकी वेवलेंथ ज्यादा, दैट मीन ये वो वाली वेवलेंथ लेगा जो वेवलेंथ ज्यादा होगी, निकल NH3 6-3 पॉजिटिव, और ऐसे ही निकल NO2 6-3 नेगेटिव। तो ये आ गया समझ के आप वेवलेंथ, या अगर आपको एनर्जी पूछे उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपकी स्प्लिटिंग कैसी है, स्प्लिटिंग पे ये आपको समझ आ जाएगा। सो ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कीजिए, ऐसे पूछा जा सकता है। सो द कोऑर्डिनेशन कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू द ट्रांजिशन, ट्रांजिशन कौन सा, डीडी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन एक डी से ऊपर वाले डी में चला जाता है, और जो कलर जो आता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है जो इसने एब्जॉर्ब किया होता है। और अगर आपको देखना है कि एब्जॉर्बर्स कैसा है तो आप उनकी भी एक रिलेशनशिप बना सकते हो। जैसे मैं यहां पर आपके लिए एक नोट डालता हूं, आप इस पॉइंट पर नोट कीजिएगा, स्ट्रॉन्गर फील्ड, अगर आपके पास स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करेगा, लार्जर स्प्लिटिंग, उसकी वजह से स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, लार्जर स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग अगर ज्यादा हो गई तो एनर्जी, हाई एनर्जी, हाई एनर्जी फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड, हाई एनर्जी फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपको हाई एनर्जी देना पड़ेगा या शॉर्टर वेवलेंथ, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, शॉर्टर वेवलेंथ फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड एंड वाइस वर्सा फॉर वी फील्ड, एंड वाइस वर्सा फॉर वी फील्ड।
तो ये हो गया आपके कलर के ऊपर आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द कलर एंड ऑल अबाउट द क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्रिस्टल फील्ड थियरी हमने बहुत डिटेल में देखी, लेक्चर नंबर 6, 7, 8 इसके ऊपर था। नाउ आप देखिए लिमिटेशंस, लिमिटेशंस क्या है क्रिस्टल फील्ड थियरी के। लिमिटेशंस इसकी एक लिमिटेशन ये है, इट नेग्लेक्ट्स द कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ ए बॉन्ड। अगर आपको याद होगा तो हमने बोला था पहले ही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने बोला था कि ये एज्यूम करता है कि आपके जो लिगेंड और मेटल हैं वो पॉइंट चार्जेस है, दैट मीन जो इनके बीच में बॉन्ड होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक आयनिक टाइप ऑफ बॉन्ड होगा। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी बॉन्ड 100% कोवलेंट नहीं होता, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता। तो ऑब्वियसली इसने नेग्लेक्ट किया, इसने कोवलेंट कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं कहा। जो आपका मेटल और लिगेंड बॉन्ड बनाता है उसके कोवलेंट कैरेक्टर के बारे में इसने कुछ नहीं कहा, दैट इट कम्स इट्स लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशन में आता है। और दूसरी प्रॉब्लम हाईली हाईली इलेक्ट्रॉन पोजेसिंग लिगेंड्स, दैट मीन जिनके पास बहुत ही इलेक्ट्रॉन्स है, हाईली इलेक्ट्रॉन पोजेसिंग लिगेंड्स लाइक आपके पास आयोडीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, लीड्स टू द आर वीकर फील्ड लिगेंड्स, आर वीकर फील्ड लिगेंड्स, आर वीकर फील्डिंग इट। दैट मीन देखिए आपको अगर याद होगा मैंने आपको कहा था कि जब लीगेंड अप्रोच करता है मेटल को, जब लीगेंड मेटल को अप्रोच करता है तो लीगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी वाले, वो आपस में रिपल्शन करते हैं। याद कीजिए जो सीएफटी में हमने पहले पढ़ा था, लीगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी वाले, वो आपस में रिपल्शन करते हैं, जिसकी वजह से मेटल का डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है। ये हमने कहा था थियरी में पहले ही, लीगेंड के इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन द लीगेंड इलेक्ट्रॉन्स एंड द मेटल इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लीगेंड अप्रोच टू द मेटल। जब लीगेंड मेटल की तरफ आने की कोशिश करता है तो जो मेटल के अपने डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिपल्शन फील करते हैं, उस रिपल्शन की वजह से वो डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है, जो हमने पहले भी देखा वो डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है। अब सीधी सी बात है, अगर कोई लिगेंड ऐसा होगा जिसका जिसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो मेटल की तरफ आएगा तो वो रिपल्शन ज्यादा क्रिएट करना चाहिएगा ना, जब वो रिपल्शन ज्यादा क्रिएट करेगा तो उसकी वजह से स्प्लिटिंग ज्यादा होनी चाहिए, सीधा सा लॉजिक है। अगर कोई लीगेंड जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लीगेंड की तरफ मेटल की तरफ आ रहा है, मेटल के भी अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा रिपल्शन होगी ना, जब रिपल्शन ज्यादा होगी तो स्प्लिटिंग ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास हाई इलेक्ट्रॉन पोजेसिंग लीगेंड्स हैं लाइक आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर से भरे होते हैं ये, जब इनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये क्यों है वीक फील्ड, ये स्प्लिटिंग क्यों कम करवाता है, क्योंकि वीक फील्ड किसको बोलते हैं, जो स्प्लिटिंग कम करवाता है, जबकि होना क्या चाहिए था, ये हाई स्प्लिटिंग करने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअल में होते क्या है, ये वीक फील्ड। ऐसा क्यों है ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। देखिए मैं दूसरे पॉइंट को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके पास बहुत इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं, जब ये लिगेंड की तरफ जाएंगे तो ये सॉरी मेटल की तरफ जाएंगे, जब ये मेटल की तरफ जाएंगे तो मेटल से इनका ज्यादा रिपल्शन होना चाहिए था, जो लॉजिक कहता है इनका ज्यादा रिपल्शन होना चाहिए था, जब रिपल्शन ज्यादा होगा तो मेटल का जो डी ऑर्बिटल है वो ज्यादा स्प्लिट होना चाहिए, वो उसमें जो गैप होनी चाहिए ना वो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हम नहीं देखते ऐसा, हम देखते हैं इनमें क्या होता है, इनमें गैप बहुत कम होती है, तभी तो हम इनको वीक फील्ड लिगेंड्स कहते हैं। आपने देखा होगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी ये कहां पर है, एंड पे है, ठीक है।
तो ऐसा क्यों है ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। इसके बाद एडवांस्ड थ्योरीज जो इसकी हैं, एक है लीगेंड फील्ड थ्योरी, लीगेंड फील्ड थ्योरी जिसको हम LFT कहते हैं, लीगेंड फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है जो इसको एक्सप्लेन कर लेती है, और कोवलेंट कैरेक्टर भी आ जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जिसको आप MOT कहते हो, बट दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, दैट इज इन सम हायर क्लासेस जहां पर ये चीजें सारी एक्सप्लेन हो जाती हैं। फिर दिस इज ऑल अबाउट द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कलर एंड मैग्नेटिज्म तो आपको आएगा ही, जैसे BVT में हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिज्म बोलते हैं, तो यहां पर भी आपको कॉन्फ़िगरेशन मैंने सिखाया है कि कैसे देखना है, तो वहां से आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख सकते हो, मैग्नेटिज्म देख सकते हो, एंड द कलर आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्यों कलर्ड होते हैं।